बाइक का लुक। और चंदन भाई हमारा चला के आया, चंदन भाई कह रहा है कि भाई पावर में काफ़ी फ़र्क आया इस व्हील से। ये पहला गियर, ये दूसरा गियर में 90 पे, ये देख सकते हैं 100। बाइक के लेते हैं टेस्ट ड्राइव। बाइक का लुक यार चेंज हो चुका है बिल्कुल, हंटर के व्हील लगाते हैं दोनों सेट और बाइक का लुक। और चंदन भाई हमारा चला के आया, चंदन भाई कह रहा है कि भाई पावर में काफ़ी फ़र्क आया इस व्हील से। तो अब चलते हैं इसको चला के देखते हैं। ओहो हाइट तो यार मतलब मज़ा ही आ गया, हाइट में ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस बाइक का तो चलाने का। तो चलो जी, पानी तो हर जगह भर गया, ओहो ऐसा लग रहा हवा थोड़ा ज़्यादा है बाइक में, बारिशों में ब्रेक भी बहुत कम लगती। ओहो भाई साहब 120, वाह क्या बात है, बाइक में कोई बबलिंग नहीं ना कुछ भी है, ये देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल चल रही है। और पानी तो भैया हो नेक्स्ट लेवल लगा हुआ है यहाँ तो, पर क्या करें आगे तो जाना ही है, पानी तो नेक्स्ट लेवल भरा पड़ा है। ओहो भाई साहब जूते वूते सब गीले हो जाएंगे, क्या पानी है भाई साहब। ये देखिए गुड़गांव का हाल, ये होता है बारिश में गुड़गांव का हाल देख सकते हैं आप। अभी थोड़ा आगे निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं थोड़ा सा आपसे इससे बारे में थोड़ा डिटेल में कि क्या है, थोड़ा पानी कम हो जाए ना थोड़ा इधर उधर थोड़ा, इसलिए क्योंकि यार पानी में गीला नहीं होना चाहता, पहले ही एक कपड़ा मेरा गीला हो चुका आज बारिश की वजह से। हाँ तो अब देखिए गाइस, ये देखिए 80 की स्पीड यूँ कवर कर रही है बाइक यूँ, तो इस व्हील से ना इस बाइक का जो पावर है वो भी बढ़ चुका है इस बाइक में। तो एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप अगर हाइट का इशू है तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ट्यूबलेस का जो दिक्कत है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और हंटर का व्हील लगाने के बाद एक तो आरी का है तो इसकी क्वालिटी तो आपको पता ही है। ये देखें क्या निकल रही है बाइक, तुरंत यूँ करके निकल रही है सीधा, पावर इसका अमेजिंग हो चुका है इस व्हील को डालते ही। और जो आपका हाइट का इशू हो, हाइट का इशू भी इस व्हील में ही सॉल्व हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है इस बाइक के लिए व्हील वगैरह। और ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और एलपोलो अल्फा H1 लगा हुआ भैया, तो उसकी तो खैर वैसे ही भी बात ही अलग है। ओ भैया मुझे भी लग रहा है रॉन्ग साइड ही आना पड़ेगा क्या, बहुत पानी भरा हुआ है यार, सब बाइकें रॉन्ग साइड आ रही हैं, गाड़ियाँ भी रॉन्ग साइड आ रही है, दिक्कत है हर जगह पानी भरा हो। देखिए उस रोड पर पूरा पानी भरा पड़ा है, अब चलाऊँगा कहाँ इस पर। क्या चल रही है यार इस बारिश में भी रोड, टायर का ग्रिप अच्छा है इस बारिश में भी, बहुत अच्छा ग्रिप दे रहा है टायर। तो चलो जी दोस्तों इसको थोड़ा खींच के देखते हैं अब, ये पहला गियर, ये दूसरा गियर में 90 पे, ये देख सकते हैं 120, वाह देख सकते हैं 130-140 के आसपास गई थी आराम से, इजिली जा रही है यार पता भी नहीं चल रहा। और ब्रेकिंग, वाह क्या ब्रेक हो गया है। अभी आपको ना इसकी बाइक की लुक भी चेक कराता हूँ यार, बाइक की लुक चेक करिए इस व्हील में, इस बाइक का कवर और डिलीवरी काफ़ी सुंदर हो चुका है बाइक चलने में, और मेरे पैर तो बड़े आराम से आ रहे हैं देख सकते हैं, अब इजीली आ रहे हैं यार इस बाइक पे, और स्टैंड लगाने के बाद अब सीधी सीधी भी खड़ी होगी बाइक। ये देखें ये मैंने खड़ी कर दी, और बाइक का लुक चेक करें यार क्या सेक्सी लग रही है यार बाइक, सुंदर लग रही है बाइक। तो ये जो हमने जाला है व्हील हंटर का, ये इसमें सक्सेसफुल है, बाकी जो भाई की है जिस कपिल भाई की वो ज़्यादा चलाएंगे तो इसको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सक्सेसफुल है ये। तो अगर आपकी हाइट की इशू है और आपको ट्यूबलेस का इशू है तो आप ये वाला व्हील भी सेटअप लगा सकते हो हंटर का 17-17 का। एक तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा, इस बाइक का टायर का प्रॉब्लम सॉल्व, टायर इस 70 साइज़ में बहुत टायर हैं, बहुत ज़्यादा टायर हैं देख सकते हैं, ये देखिए 110 mm का टायर पीछे आगे लगा हुआ है यार, और 150 का पीछे, आप ये दोनों टायर का ब्रॉडनेस चेक करिए क्या, और टायर चलने में क्या मतलब, आप अपोलो अल्फा H लगाया मैंने, H1 लगाया, आप और भी टायर लगा सकते हो कोई भी इवन, तो ये था। अब चलते हैं बाइक को लेकर शॉप पर, भैया पानी तो आप लोगों ने देख लिया कितना पानी भरा हुआ है बारिश में भी, मैंने इसको टेस्ट किया है निकाल के क्या करूँ, और बारिश में यार परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी।
इधर से ही कहीं से निकालना पड़ेगा आगे से, क्योंकि आगे भीड़ बहुत है, पानी लगा हुआ है ना। चलते हैं अब शॉप पे यार, इधर से ही निकाल लेंगे आगे से। बारिश तो हो ही रही है, अब क्या कर सकते हैं। बारिश होगी तो भी कुछ भी कर सक नहीं सकते, पर करें तो करें क्या। अब देख सकते हैं इतना पानी है यार कि भाई साहब मेरे जूते तक गीले हो गए हैं। गियर चेंज करके पैर को भैया ऊपर कर लेते हैं। बाइक चल तो बहुत सुंदर रही है यार, नो डाउट कि बाइक चलने में बहुत सुंदर हो गई है। अब हेडलाइट ऑन, स्लिप नहीं मार रहा टायर यार, ये अच्छा टायर है, मतलब टायर अच्छा है, स्लिप नहीं मार रहा। तो जी दोस्तों ये था वीडियो, मैंने कहा आप सबको भी दिखा देते हैं। बारिश में भी टेस्ट ड्राइव ले ली मैंने इसकी, क्या कर सकता हूँ भैया, अब चलाने तो है ही, अब अपना काम है तो भैया। और बाकी जिसको हाइट की इशू होगी वो ये वाला व्हील लगा सकते हो आप, बाइक चलने में स्टेबल चलेगी ये मेरी गारंटी है। बाकी बाइक का जो पुल पावर है वो भी बढ़ जाएगा, पीक पावर जो है इस बाइक का वो भी आपको 17-17 व्हील में अच्छा मिलेगा इस बाइक में। तो ये जो सेटअप था ये मैंने कहा भाई का, कपिल भाई का वो था कि भाई यार कुछ इसका टायर का दिक्कत सॉल्व कर और एक ट्यूबलेस का। तो मैंने भाई को बोला या तो मीटियोर का पहिया लगा लो या तो हंटर का लगा लो। और जिसको हाइट बढ़ानी हो उसके लिए ऑप्शन बता दूँ आपको, मीटियोर का सेटअप लगा सकते हो आप, मीटियोर का भी डायरेक्ट फिट है दोनों, वो भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें भी, यही अडेप्टर बनवा के और डिस्टेंस बना के फिट कर लो। तो आ गए शॉप पे, बाइक चला के देख लिया और बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो लो जी बाइक लाया, टेस्ट ड्राइव की वीडियो आपने देखी ली कैसी है, क्या क्या अच्छा मैंने जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया है। बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस चलने में फर्स्ट क्लास चल रही है। बारिश नहीं होता तो थोड़ा लॉन्ग चला के देखता, लेकिन बारिश हो रही है यार तो ज़्यादा चला नहीं सकता। कभी और कभी आपको अगर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कुछ और क्वेश्चन हो आपको इसके ऊपर तो पूछ सकते हो आप मेरे से। बाकी जो जिन्होंने इसकी फिटिंग की वीडियो ने देखी कैसे फिट किया है वो भी आप वीडियो में डिटेल जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलो जी दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो साथ, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।